हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरएवर यूनिक में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ड्राइव रैक 360 के बारे में। हालांकि आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग जो है 260 को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत रफ एंड टफ यूज़ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोगों की पसंद है कि वो 260 का उपयोग करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 360 के बारे में। इसका रिव्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी, अनबॉक्सिंग का भी वीडियो मैंने इससे पहले दिया हुआ है। आज इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग करनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, क्या क्या फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ऐसे तो काफ़ी सारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, उम्मीद है इस काम के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर ऐसा लग जाए कि वीडियो में आगे कुछ काम का होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग दोस्तों कि ये हमारा ड्राइव रैक जो है कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ये इसका डिस्प्ले है दोस्तों, और बाकी के फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी अपने एक अनबॉक्सिंग के वीडियो में दिखा चुका हूँ कि किसका क्या मतलब है। एक बार हम लोग इसका पीछे का व्यू देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के इनपुट दिए हुए हैं और कितने प्रकार के आउटपुट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है दोस्तों हम लोगों के ड्राइव रैक 360 का पीछे का व्यू, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर तीन इनपुट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, तीन इनपुट एनालॉग इनपुट हैं, इसके साथ ही आप लोग AES इनपुट भी इसके अंदर ले सकते हैं। वैसे ही आप इससे 6-way आउटपुट ले सकते हैं, या कह लीजिए 6 आउटपुट इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा ये USB से आप अपने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको ईथरनेट का भी एक पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, आइए इसको हम लोग अब पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी सेटिंग हमें करनी है। दोस्तों, ये दोस्तों हमने अपने ड्राइव रैक को जो है ऑन कर दिया है। ये ऑन होने में जो है दोस्तों थोड़ा सा समय लेता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप लोग कि ये हमारे पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ऐसे ही इसमें कंपनी की तरफ से आप लोग देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे प्रीसेट जो हैं बने हुए मिल जाते हैं। प्रीसेट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बटन दिया हुआ है रिकॉल। ये रिकॉल का जो बटन है दोस्तों, इस बटन को हम लोगों को दबाना होता है। देखिए, ये रिकॉल जो है ये इसे मैंने दबा दिया है। ओके, अभी आप लोग देखिए इस तरीके से पेज की पूरी लिस्ट जो है आपके पास आ जाएगी। आप लोग देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट आपको खाली भी देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी सारे प्रीसेट हैं जिन पे आपको प्रोग्राम बना हुआ मिलेगा। दोस्तों, तो ये कंपनी ने अलग अलग तरीके से आप लोगों को अलग अलग सेटिंग के लिए पहले से प्रीसेट बना के दिए हुए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है आप स्वयं अपने तरीके से हर प्रीसेट को बनाइए जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसा आपका कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर साउंड में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, चूंकि आज का वीडियो है कि हम लोग किस तरीके से इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक टू वे सेटअप बनाते हैं, और टू वे सेटअप बनाकर उसको हम लोग पूरा ट्यून करते हैं, एक एक फंक्शन को भी ऑन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस जगह पर आपको ये विजार्ड का जो बटन है ये देखने मिलता है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस विजार्ड के बटन को दबाएंगे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये विजार्ड का जो बटन है इसे मैंने दबा दिया है। एक सेकंड, मैं पहले एक बार पूरा बैक आ जाता हूँ, पूरा पीछे आ जाता हूँ। ओके, ये हम अपने प्रोग्राम पर जो है वापस लौट चुके हैं। अब सबसे पहले जो है मैं इस विजार्ड के बटन को दबाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। देखिए, रन ऑल विजार्ड, इसके बाद में आपको मिल जाता है रन स्टीरियो सेटअप विजार्ड, रन ऑटो इक्यू विजार्ड, रन AFS विजार्ड। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कंपनी ने आपको इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में सेलेक्ट करने वाले हैं रन ऑल विजार्ड को। ओके, तो मैं इस बड़ी वाली बटन को जो है प्रेस करूँगा। ओके, ये मैंने इसे दबा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग किस पेज पर थे वो भी हमें देखना है, कहाँ स्टोर करना है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटिंग सेटअप विजार्ड। अब देखिए प्रेस, हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, फिर से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट सेटिंग। आपको आप अपनी स्वेच्छा से डिफॉल्ट अगर रखना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही सेटअप नया चाह रहा हूं तो मैं इसे नो करने वाला हूं। ओके, ये इसे मैंने नो कर दिया है। यहां पर तीन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं मेनली। सबसे पहला मिलता है PA सिस्टम, दूसरा मिलता है स्टेज मॉनिटर्स, और तीसरा है PA सिस्टम प्लस स्टेज मॉनिटर। तो दोस्तों, इसके पीछे जो है आप लोगों को तीन इनपुट देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीन इनपुट होते हैं दोस्तों, ओके, तो तीन इनपुट क्या होते हैं, एक तो PA सिस्टम यानी कि जो आपका FOH है आप उसे ट्यून कर सकते हैं,
स्टेज मॉनिटर, अगर आप सिर्फ मॉनिटर में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टेज मॉनिटर में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा इनपुट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, दो के साथ में एक और इनपुट लगाना चाहते हैं ऑक्स के थ्रू, तो आप सबसे पहले पीए सिस्टम के दो इनपुट ले लीजिए और एक इनपुट ऑक्स से आप इसमें दे सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पीए सिस्टम और स्टेज मॉनिटर दोनों ही चीज़ें आप लोग एक साथ जो है ट्यून कर सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे हम लोग टू वे सेटअप बनाएंगे, टू वे सेटअप प्लस एक स्टेज मॉनिटर हम बनाने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकॉन बना हुआ आ गया है, ये हमारा पीए सिस्टम है और ये जो है हमारा एक स्टेज मॉनिटर है। तो इस केस में आप देखेंगे दोस्तों पीछे के जो छः आउटपुट आपको देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें से चार तो आपके FOH में चले जाएंगे और दो जो हैं आपके मॉनिटर्स के लिए चले जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसे जो है सेलेक्ट कर लिया है, सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है ये सेलेक्ट पीए सिस्टम इनपुट फॉर्मेट, इनपुट कैसे लेंगे हम लोग, स्टीरियो लेने वाले हैं दोस्तों। ओके, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इनपुट कहाँ से लेना है, देखिए लेफ्ट पीए इनपुट मैं एनालॉग 1 से ले रहा हूँ, राइट पीए इनपुट मैं एनालॉग 2 से ले रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर स्पीकर, अगर आपके पास यहाँ पर जितने मॉडल दिए हुए हैं अगर कोई है तो ठीक है, और कोई नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट लिस्टेड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपके स्पीकर आप कैसे लगा रहे हैं। ओके, आपके फुल रेंज हैं या फिर टू वे हैं या फिर थ्री वे स्पीकर है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो डिटेल में ले आऊँगा कि ये अलग अलग चीज़ें क्या है। वैसे आप लोग ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि क्या है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ फुल रेंज, यानी कि HF और स्पीकर का कनेक्शन जो है वो एक ही है दोस्तों। ठीक है, क्या आप सबवूफर यूज़ करना चाहते हैं, ये पूछ रहा है हमसे। हाँ, हम सबवूफर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे यस कर देंगे। ओके, ऑक्स फेडर से लेंगे तो मैं ऑक्स से नहीं लेने वाला हूँ, ये हमारा जो मेन आउटपुट आया है मिक्सर से मैं उससे ही लेने वाला हूँ, तो मैं इसे नो कर दूंगा, ऑक्स से हम नहीं चला रहे हैं। देखिए अब आपका सबवूफर कैसा रहेगा, मोनो रहेगा या फिर स्टीरियो, तो मैं यहाँ पर स्टीरियो करने वाला हूँ। ये स्टीरियो हो चुका है दोस्तों, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें से अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो आप वो ले सकते हैं या फिर आप नॉट लिस्टेड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल नॉट लिस्टेड कर दिया है, इसको भी मैंने नॉट लिस्टेड कर दिया है दोस्तों। सबवूफर के लिए ये एम्पलीफायर पूछ रहे हैं, इसमें से अगर आपके पास कोई मॉडल है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नॉट लिस्टेड भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर में दोस्तों अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे तो इसी में से चुनकर जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉट लिस्टेड वाला ही ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मॉनिटर के लिए आप चाहें तो स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक RCF का मॉडल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, छोटा ही ले लेते हैं, चलिए 8310 ही ले लेते हैं। आगे चलते हैं, क्या आप और भी दूसरा मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं? यस, हम करना चाहते हैं, दो मॉनिटर हम लोग यूज़ करेंगे, ये भी हम सेम ही ले लेते हैं। चलिए अब या QSC का कोई केस सीरीज, अच्छा RCF ही ले लेते हैं, चलिए यही वाला मॉडल उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि हमने पावर्ड मॉनिटर लिया है इसलिए ये ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो है मैं 80% के लगभग रख देता हूँ। ओके, ये मैंने रख दिया है, 89 हो गया है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मॉनिटर का जो इनपुट है हम लोग ये तीसरे वाले से लेंगे, चूंकि दो तो हम पहले ही ले चुके हैं मेन आउटपुट से। ओके, मिक्सर के मेन आउटपुट से, ये तीसरा हम ऑक्स से लेने वाले हैं इसलिए मैं इसे एनालॉग 3 करने वाला हूँ। क्या ये पूछ रहा है कि क्या आप AFS ऑन करना चाहते हैं इस सेटिंग पर, तो फिलहाल मैं नहीं करना चाहता तो मैं इसे नो करने वाला हूँ। ओके, मॉनिटर 2 का भी इनपुट हम एनालॉग 3 से ही ले लेते हैं, इस पर भी अभी मैं नो करने वाला हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है अप्लाई द करंट चेंजेस, क्या आप इस चेंज को अप्लाई करना चाहते हैं? यस, हम लोग इसे चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसे यस कर दूंगा। ओके, देखिए ये हमारा जो अभी जितना हमने सेटिंग बनाया है टू वे प्लस एक दो स्टेज मॉनिटर, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये सेटअप यहाँ पर आता है कि नहीं आता है दोस्तों। ओके, देखिए ये कनेक्शन आ चुके हैं, पहला और दूसरा मेन मिक्सर के आउटपुट से आएगा और तीसरा ऑक्स से हम लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक और दो जो है आपका ये लेफ्ट राइट का मेन है, तीन और चार नंबर का जो आउटपुट है ये लेफ्ट राइट का सबवूफर है, और पाँच और छः जो है ये मॉनिटर 1 और मॉनिटर 2 है दोस्तों हमारा। तो चलिए हमको यही सेटिंग रखना है, ये हमने सेट कर दिया, सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इस पर जो है दोस्तों ऑटो EQ नहीं चलाएंगे, अभी मैंने इसको नो कर दिया है, AFS भी मैंने नो कर दिया है। अभी मैं वापस से बैक आ जाता हूँ, ये मैंने बैक का बटन दबाया, आप लोग देखेंगे हमने जो सेटिंग बनाई है दोस्तों यहाँ पर ये आ चुकी है, सारी की सारी ही सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग इसे एक एक करके सेट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये इंसर्ट पार्ट कहलाता है दोस्तों। इसमें हमने क्या क्या इंसर्ट किया हुआ है, AFS है, GEQ है और सब हार्मोनिक सिंथ है।
इस पर एक एक पर मैंने अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। AFS का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, GEQ का शायद नहीं बनाया है, सब हार्मोनिक सिंथ का वीडियो बनाया हुआ है, AEQ मतलब ऑटो इक्विलाइजर कंप्रेसर है, इसके बाद एक क्रॉस ओवर लगा हुआ है, इसके बाद में आप देखेंगे पैरामेट्रिक इक्विलाइजर लिमिटर और टाइम अलाइनमेंट है हमारा, यानी कि डिले है। ओके, तो ये सारी सेटिंग आ चुकी है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक इनपुट का सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद दोस्तों आप उसी तरीके से सभी के सभी चैनल्स का जो है सेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अभी इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एडिट का बटन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो ये एडिट का जो बटन है ये मैं दबाने वाला हूँ। वापस से हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ये मैंने एडिट का बटन दबाया। देखिए इसके बाद ये जो घुमाने वाली बटन है हमारी रोटरी स्विच जो होती है, इसको मैं आगे करूँगा तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये इनपुट पर आ रहा है, अभी इसे कुछ नहीं करना है। इसके बाद में हमें AFS सबसे पहला सेटिंग, देखिए AFS ब्लैकआउट हो गया, अभी देखिए इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, AFS का सेटिंग आता है हम लोगों का दोस्तों। तो AFS जो है अभी ऑन है, देखिए यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, क्लियर मोड ऑल है, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। इसके बाद में इसका एक मेन सेटिंग है मोड, यहाँ पर लिखा हुआ है मोड, तो मोड को हमें फिक्स नहीं रखना है, इसे हमें रखना है लाइव, तो ये देखिए मैंने इसे लाइव कर दिया है। वापस से टाइप म्यूजिक है, मैं म्यूजिक प्लस स्पीच लेने का ट्राई करता हूँ। ओके, ये मैंने स्पीच ले लिया है। ओके, फिक्स फिल्टर का नंबर यहाँ पर 6 है, मैं थोड़ा कम करूँगा इसे, मैं 4 फिल्टर लूँगा यहाँ पर फिक्स करने के लिए। ओके, लाइव लिफ्ट, अगर आप चाहते हैं जो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है विसिल आने के दौरान, उसे आप चाहते हैं कि थोड़ी देर में वापस से अपनी जगह पर आ जाए, तो इस लाइव लिफ्ट को जो है आप लोग ऑन कर सकते हैं दोस्तों। कितनी देर में लाइव लिफ्ट होगा ये देखिए AFS का सेटिंग है, मैं इसे 5 सेकेंड ही रहने देता हूँ। सेंसिटिविटी यहाँ पर 0 dB, मैं थोड़ा इसे कम कर दूंगा, -5 कर दूंगा। ओके, हाई पास फिल्टर इसमें ऑफ ही रखना है हमें, आप हालांकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से चालू भी कर सकते हैं, अगर आपको उस एडवांस लेवल का काम आता हो तो आप कर सकते हैं। ये मैंने AFS का सेटिंग जो है चालू कर दिया है। बैक चलते हैं, देखिए दूसरा GEQ, तो यहाँ से ग्राफिक EQ का सेटिंग आ जाएगा। इसके बाद सब हार्मोनिक सिंथ, अगर आपने सब ऊपर लगाया है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए ये ऑन है, इसका भी एक मैंने पूरा डीप वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं सब हार्मोनिक सिंथ क्या होता है, इस पर मैंने कंप्लीट अपना एक पूरा वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, तो उसको देखकर भी आप इसकी सेटिंग जो है कम्प्लीटली कर सकते हैं। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे ऑन कर दीजिए, किस रेंज को आप थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बूस्ट मत कीजिएगा सब हार्मोनिक सिंथ को, आप 65 के आसपास ले सकते हैं। ओके, और इसके बाद में ये दोनों में से सुनने में आपको जो फ्रिक्वेंसी है आपके कार्य के हिसाब से जो आपको उचित लग रही है उसको घटा या बढ़ा कर आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम लोग ऑटो इक्विलाइजर को कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कंप्रेसर पर, कंप्रेसर ऑन किया हुआ है, ये देखिए इसका थ्रेशोल्ड कुछ ज़्यादा ही नीचे लगा हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लगाऊंगा। कंप्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या होता है, जिस जगह से आपको कंप्रेसर को स्टार्ट करना है ये मैंने ले लिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका अगला पैरामीटर, रेशो 2:1 है, आप चाहें तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। गेन, यानी कि आउटपुट गेन है, गेन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैंने 1 dB के लगभग इसे प्लस कर दिया है। इसके बाद चलते हैं बाकी की सेटिंग है, आप ऑटो को ऑन कर देंगे तो दोस्तों अटैक होल्ड रिलीज का जो है काम खत्म हो जाएगा, तो मैं कहूँगा अगर आप बेसिक हैं तो आप शुरू में ऑटो को ऑन कर दीजिए, जब आपको अटैक होल्ड रिलीज समझ आने लगे तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है क्रॉस ओवर का सेटिंग, देखिए सबसे पहला सेटिंग क्या है हमारा, कितने नंबर चैनल पर है अभी, ये 1 और 2, यानी कि हमने इसे हाई के लिए बनाकर रखा हुआ था दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये सबसे है मेन लेफ्ट राइट फ्रिक्वेंसी, ये आउट है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो लास्ट वाला पार्ट है उसे आउट कर दिया है, ठीक है। अगर हम चाहें इसे तो चेंज भी कर सकते हैं, देखिए कम करेंगे तो ये इस साइड वाला जो पार्ट है ये कटने लग जाएगा, यानी कि मेन स्पीकर से ही हाइस कटने लग जाएगी, तो अगर आप इस पर मेन स्पीकर चला रहे हैं तो इसे आप 20 kHz तक ये आउट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है हमारा दूसरा सेटिंग, अभी इस साइड से यानी कि हाई की तरफ से हमने इसको देखा था, अब लो की तरफ से हम देखते हैं कहाँ से फ्रिक्वेंसी आया हुआ है। ओके, ये है हाई पास फ्रिक्वेंसी, ये देखेंगे आप यहाँ पर अभी 100 Hz से लिया हुआ है, मैं इसमें चाहूँ तो और भी फ्रिक्वेंसी ऐड कर सकता हूँ, देखिए ये फ्रिक्वेंसीज जो है ऐड होने लग गई है, लेकिन हमें चूंकि क्रॉसओवर का बेसिक के अनुसार हम जाएँ तो हमें 100 Hz से ही इसे स्टार्ट करना चाहिए,
हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला स्पीकर है, यानी कि आपकी टॉप आप जिसे बोलते हैं या लाइन एरे आप बोल दें, तो उसके हिसाब से आप इसे 100 के आसपास रखिए। और देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बेस की तरफ गया हुआ है, तो इसका स्लोप जो है वो हम लोग चेंज करने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा काट दिया इसे, ओके दोस्तों, तो ये स्लोप जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बेस का भी सेटिंग देखने मिल जाता है। आप देखेंगे अब हम बेस वाली फ्रिक्वेंसी पर आ गए, आप देखेंगे इसका स्लोप कुछ मिड की तरफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है, तो इसे हम इतना नहीं रखेंगे, इसके स्लोप को जो है हम चेंज करने वाले हैं। ओके, सबवूफर का, ओके, ये हमने चेंज कर दिया इसे, LR48 पर कर दिया। अब बात आती है पोलैरिटी की। अगर आपने सेंटर बेस वगैरह यूज़ किया हुआ है या सेंटर बेस में आप लगा रहे हैं, तो आप इसका पोलैरिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शुरुआत यहाँ पर 35 हर्ट्ज से किया हुआ है, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा क्रॉस ओवर का बेसिक सेटिंग दोस्तों। इसके आते हैं पैरामेट्रिक इक्विलाइजर। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो चैनल हैं, तो एक में आप हाई का बढ़ा सकते हैं एक एक आउटपुट में, 3-4 में आप चाहें तो थोड़ी सी बेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों लिमिटर। तो लिमिटर अभी देखिए ये ऑफ है, इसे हम ऑन कर देंगे। थ्रेशोल्ड जो है इसका 0 dB पर लगा हुआ है। आप जैसा आप गेन स्ट्रक्चर चलाते हैं उसके अनुसार आप इसका थ्रेशोल्ड जो है रख सकते हैं कि हाँ हमारा साउंड इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ऑटो को जो है आप ऑन रखिए, तो आपको अटैक होल्ड रिलीज में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम अलाइनमेंट के ऊपर में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो, जैसे सब हार्मोनिक सिंथ और AFS पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसी तरीके से मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। बीच में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, हमारा अगला साउंड आर्ट का जो कोर्स है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी से 22 जनवरी बहुत ही कम सीटें बची हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये सेटिंग अगर आपने ऐसे ही सभी का कर दिया, मॉनिटर का भी सेटिंग आपने अलग अलग कर दिया, अब जब सब सेट हो जाए दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड आप आएंगे तो आप देखिए ये स्टोर का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इस स्टोर के बटन को आप दबाइए दोस्तों, यहाँ पर आएगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। वापस से मैंने स्टोर का बटन दबा दिया है, मुझे नाम चेंज नहीं करना है। और पेज जो है ये 45 नंबर का पेज है, मुझे ये भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने वापस से स्टोर दबाया, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीसेट आपके ये यहाँ के किसी प्रीसेट में सेव हो जाए किसी खाली पेज में, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसे 44 या जो पेज खाली हो हमारा उस पर भी करने का ट्राई करूँगा। 44 नंबर पर हम लोग इसे स्टोर कर देते हैं। मैंने एक बार और स्टोर दबाया, देखिए ये हमारा नंबर चेंज हो गया। 44 पर जो है हमारा अभी जो हमने पूरा पेज बनाया था ये क्रिएट हो चुका है। अब कनेक्शन किस तरीके से होंगे दोस्तों, 1 और 2 नंबर पर आप मिक्सर के आउटपुट से इनपुट ले लीजिए। इसके बाद जो तीसरा नंबर है हमारा, उस पर आप जिस भी ऑक्स से मॉनिटर चलाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, ओके। मैं पीछे की साइड से ही दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये जो एनालॉग 1 और 2 इनपुट है, इसमें आपके मिक्सर से जो 2 आउटपुट आएंगे वो यहाँ पर इनपुट करने हैं आपको। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिस ऑक्स से आप मॉनिटर चला रहे हैं वो लगा सकते हैं। अब देखिए चैनल 1 और 2 हमारा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हो गया, यानी कि आपकी टॉप के लिए। 3 और 4 जो हो गया आपका सबवूफर के लिए हो गया। 5 और 6 जो हो गया आपके मॉनिटर के लिए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग पीछे का कनेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आप इस ड्राइव रेक 360 के बारे में काफ़ी कुछ जो है जान गए होंगे दोस्तों। 360 हो या 260 हो, आपने सिस्टम कैसे लगाया है, किस तरीके से लगाया है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका सेटिंग जो है वो कैसे होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर हमें 360 के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।